कन्या कहा जाता है। श्री लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है। नवरात्रों के दिनों में तो उसे साक्षात घर घर पूजा जाता है। फिर क्या हुआ कि आज वह अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटी तो हर घर की शान है, बेटी से ही तो घर में रोशनी है। आज हम बेटियों के सम्मान में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ओ मीरा, तुमने मुन्ना को कहीं देखा क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया, खाना भी नहीं खाया उसने, दूध भी नहीं दिया, और तो स्कूल जाने की भी तो तैयारी करनी है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को कहीं नहीं देखा, मैं तो सुबह से काम ही कर रही हूँ। पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी दाखिला स्कूल में करवा दीजिए ना माँ। ए छोरी, बढ़िया स्कूल जाने वाली, घर का काम कर अच्छे से सीख ले, आगे चल के यही तेरे काम आने वाला है। पढ़ लिख कर कौन सा तुझको कलेक्टर बनना है, जल्दी जल्दी काम कर। आगे चलकर गृहस्थी जो संभालनी होती है। अरे ये क्या हो रहा है, कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना मम्मी दीदी, दादी मुझे स्कूल जाने ही नहीं देती, कहती है कि मुझे स्कूल जाकर क्या करना है, आगे चलकर चूल्हा चौकाई तो संभालना है। अरे मां जी, यह तो बहुत गलत बात है, हम लड़कियों को भी तो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है। यह 21वीं सदी का जमाना है, आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? इसलिए मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके मीरा का दाखिला स्कूल में करवा रही हूं। और हाँ, मैं तो यहाँ पे इसलिए आई थी मुन्ना को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए, आजकल तो जगह जगह पर कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ बहन जी कि आप आ गई, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दें और मुझसे स्कूल भेज। अच्छा मेरा बेटी, तुम बोला नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और हमारी तरह मुन्ना डॉक्टर बनोगी। बहू जरा एक गिलास पानी लाना। अभी लाई बाबू जी। बाद में प्यारी बेटियों के लिए कितनी सुंदर कविता छपी है, आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी पान पसा, मुझे चाहिए प्यार दुला, बेटी को अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार, सोचो जरा हमारे बिना बसा पाओगे घर परिवार, गर्भ से लेकर यौन तक मुझ पर लटक रही तलवार, मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थाई उपचार, जब मां ही न होगी जग में तो तुम इससे जन्म पाओगे, जब बाहर ही ना होगी जग में तो तुम इससे रुकोगे किसे मनाओगे, जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा, जब कोई स्वप्न सुंदरी भी ना होगी तो किससे प्यार रचाएगा, जब घर में बेटी ही ना होगी तो इस पर लाड़ लुटाओगे, जिस दुनिया स्त्री ही ना होगी उस दुनिया कैसे रह पाओगे, जब तेरे घर स्त्री ही ना होगी तो कैसे बच आगे बढ़ाओगे, नारी के बिना जब सुना है तुम यह कब समझ पाओगे, हाँ तो भाग्यवान कैसी लगी है कविता, है ना मजेदार? काहे की कविता, मुझे नहीं आई पसंद। अरे कोई घर में है क्या? आई हूँ टीचर दीदी, माफी का इंतजार कर रही हूँ। वो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ सकी। डॉक्टर दीदी ने बताया कि आपने अभी तक मीरा बेटी का दाखिला नहीं करवाया है, ये तो बहुत होनहार छात्रा है, हमेशा अच्छे अंकों से पास होती है। हाँ नीतू दीदी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि ये खूब पढ़े लिखे, पर मेरी आप मीरा ही कौन है? हाँ हाँ, खूब पढ़ा बेटियों को और भेजो बाहर, जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो मुंह दिखाने की भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है दादी जी, मैं पढ़ लिख कर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूँ, मेरा भी दाखिला स्कूल में करवा दीजिए दादी, मुझे पढ़ना लिखना है। अरे बेटी, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी, हाँ हाँ स्कूल अवश्य जाओगे, सुनिए जी आज ही मीरा का दाखिला स्कूल में करवाए। अच्छा टीचर दीदी, हम मीरा को अवश्य स्कूल भेजेंगे, मैं इसे मेरी तरह अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, इसे खूब पढ़ाओ। ठीक है तो कल मीरा को तैयार रखना, वह मेरे साथ स्कूल जाएगी, क्यों ठीक कहा ना मेरे दादा? हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब तो हमारी
मेरा मेरा बिटिया भी स्कूल जाएगी। अच्छा प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। काबिल बनाओ मां बैठाकर कि मैं आपको बेटे से भी बढ़कर